रिएक्शंस हैं एमाइंस के, वो भी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। और इसके अलावा जो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में रिडक्शन के थ्रू किस तरीके से एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं वो वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद में जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं दैट इज अबाउट बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस की बेसिसिटी समझने से पहले हमें लुईस बेस से वो पता होना चाहिए कि लुईस बेस क्या होते हैं। तो प्रीवियसली जो क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी जो स्पीसीज है जो जिनके पास में वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होगा तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक उनको लुईस बेस में कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है या तो उनके पास में लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन रिच हो या फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे जितने भी जो कंपाउंड होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे लुईस बेस। अब इसको हम अप्लाई करेंगे एमाइंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है एलिफेटिक एमाइन का आर एन एच टू, तो नाइट्रोजन के ऊपर मैंने वहां पर लगाया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर होने की वजह से इसको हम कंसिडर करेंगे वहां पर लुईस बेस में, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है और ये डोनेट कर सकता है किसी स्पीसीज को, इस वजह से इसको कहा जाएगा वहां पर लुईस बेस। अब अगर ये किसी एसिड के साथ में, क्योंकि इसका रिएक्शन हो गया बेस बेसिक, तो ये किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करके वहां पर बनाएगा सॉल्ट। तो जैसे एच एस के साथ में वहां पर उसने रिएक्शन किया तो यहाँ पर बना आर एन एच थ्री और एक्स माइनस, यहाँ पर इसने लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो एक सॉल्ट बन गया। तो बेस और एसिड मिलकर वहां पर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, रिएक्शन रिएक्शन वहां पर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एमाइंस का नेचर है बाई रिएक्शन हम प्रूव कर सकते हैं बेसिक इन नेचर, और वैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर बता सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट इज बेसिक इन नेचर। तो अब उसके बाद में अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे क्योंकि उसी बेसिस पे हमें पढ़ना होगा यहाँ पर। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो आपको केबी के बेसिस पे या पीकेबी के बेसिस पे आपको पूछे जा सकते हैं कि केबी यहाँ पर है डिस्पर्शन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, अब उसकी वैल्यू और बेसिक स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमआई, अगर वहां पर केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो अगर इसको हम लिखना चाहें स्टेटमेंट के फॉर्म में तो हमें लिखना पड़ेगा मोर बीबी केबी मोर बीबी द बेसिसिटी, और वी कैन से लेस बीबी द वैल्यू ऑफ केबी लेस बीबी द बेसिसिटी। अब अगर इसको हमें पीकेबी से रिलेट करना है तो पीकेबी इक्वल्स टू क्या होगा, पीकेबी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ केबी, ये रिलेशन होता है। तो यहां पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर वहां पर वैल्यू अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ वहां पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव होने की वजह से ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो यहाँ पर आंसर जो उतना ही क्या होगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन आएगा बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी में इनवर्स रिलेशन आएगा, और भी कैसे मोर विल बी द पीकेबी लेस विल बी द बेसिसिटी, ये चीज ध्यान रखनी है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर पीकेबी किसके इक्वल होगा माइनस लॉग ऑफ केबी के, अगर वहां पर ये माइनस अगर नहीं होता तो वहां पर सिचुएशन कुछ अलग होती, बट यहाँ पर माइनस आने की वजह से हमको पता है कि अगर माइनस अगर किसी भी चीज के अगर हम माइनस लगा दें तो वो चीज जितनी बड़ी दिख रही है जैसे माइनस 200 और माइनस 100, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा, जो माइनस 100 है वो लार्जर होगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस में होगी उतना बेसिसिटी वहां पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि केबी हम डिसाइड कैसे करते हैं, किसी भी कोई कंपाउंड हमने लिया कोई मॉलिक्यूल हमने लिया उसके लिए केबी की कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती है वो आती कहां से, किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के जो जो वहां पर क्राइटेरिया होता है तो वो होता है प्लस साइड इफेक्ट और माइनस साइड इफेक्ट जो भी उस एमआईएस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उनका प्लस साइड इफेक्ट या माइनस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा वहां पर इफेक्ट डालेगा कि केबी की वैल्यू वहां पर कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट से मतलब है कि अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना ईज के साथ में वहां पर लोन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं वो कहलाएगा वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट। साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब उसके सराउंडिंग अगर जो बल्की सब्सटेंस है या स्मॉलर सब्सटेंस है और कितना ईज के साथ में वो वहां पर अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर पा रहा है वो चीज डिसाइड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वहां पर केबी की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है। अब उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर पीकेबी की वैल्यू दे रखी तो मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स ले रखे हैं, एक मिथाइल एमाइन है और दूसरा है बेंजामाइन। तो यहाँ पर पीके की वैल्यू एक 3.38 है और दूसरा 9.38 है, तो मैंने
पता है यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग मुझे रूल लगाना है यहाँ पर कि पीकेबी और बेसिक स्टैंड में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर यहाँ पर पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी बेसिसिटी वहां पर कम होगी, और इसकी वैल्यू कम है तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मिथाइल एमीन है इट विल बी मोर बेसिक, और ये होगा वहां पर लेस बेसिक, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे ये बढ़ेगा